प्लीज गाइज सपोर्ट दिखाइए भाई को। चलो गाइज देखते हैं वीडियो। तूने क्या सोचा कि वो कोबरा तुझे हरा नहीं पाएगा, वो मुझे लगता है हरा देगा तुझको, मान। सही तो बोल रहे हैं कि फ्री फायर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अबे तुम्हें क्या मालूम कि फ्री फायर में इज्जत है या नहीं? वो लोग हम डिफेंड करते हैं कि हमारी इज्जत कितनी है, हमारी सोच के ऊपर है। अबे तुमने कितनी बार बोला फालतू उछलने का नहीं, अगर उछलने का तो सारे की खापी तोड़ दूंगा इधारी, तुम मुझे जानते नहीं हो। और हाँ यही बात, हम उस कोबरा को हरा देंगे एक ना एक दिन। पर इस कोबरा ने हमारी जाति का बहुत लोगों को मारा है, हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं उसको, उसको मारना ही होगा हम लोगों को। अगर कल कोबरा के साथ मेरी फाइट होगी तो मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ, किसी भी फ्री फायर के करेक्टर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। अरे पापा कितना थक गया रे मैं। अरे यार तूने सही बोला, वो टाइम हो गया हम लोगों को रेसिंग करते करते, अब कुछ ही देर में जाना भी है WWE में। अगर कल की रिंग में मैं हार जाता हूँ तो मेरा नाम कोबरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी है अभी मुझे, बहुत सारी। अगर हार गया ना तो फ्री फायर में मेरा डर खत्म हो जाएगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा मेरी क्या वैल्यू रहेगी, मुझे करना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो कोबरा तेरे को इसीलिए तो मैं इतनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरा तो गला ही जाम हो रहा है। अरे कोबरा आराम से संभाल के यार, मुझे पता है तू बहुत प्रैक्टिस कर रहा है उसे जीतने के लिए, आराम से, थक गया पानी लेके आता हूँ मैं तेरे लिए, रुक। अबे इंस्पेक्टर कल कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मेरे को, और हाँ मेरा बंदा जरूर वहाँ पहुँच जाना चाहिए WWE में, कोई इसको परेशान ना करे वरना तुम्हें पुलिस केस ठोक दूंगा पुलिस वालों तुम्हारे ऊपर। आ गए सब लोग मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, या तो आज कोबरा मरेगा या मैं, साला हरामजादा लुका पट्टा अभी तक नहीं आया कायर कहीं का। अच्छा इसी वजह से उसका नाम चलता है साले बढ़ने का डर के भाग जाता है, आने दो आज इसको नारियल की तरह फोड़ दूंगा साले को, पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से टूटा है, और इसको बनाने वाला भी सोचेगा कि इसकी हड्डियाँ कितनी जगह से टूटी है बाबा। हा, हा, हा। हवा की तरह आता हूँ और तूफान की तरह जाता हूँ, और मेरा नाम है कोबरा। क्यों रे भड़वे, तू बहुत ज्यादा उछल रहा था, मैंने भी सुना था तू नया नया आया है, बेचारे यहाँ से निकल ले और वरना इतना तोड़ूंगा ना कि वापस जिंदगी में उठ नहीं पाएगा तू। अबे ओ कोबरे, तेरी माँ का दूध पिया है ना तू, तो आ जा दिखा देते हैं आज किसमें पावर ज्यादा है।
अबे माँ पे मत जा, वरना यही तोड़ूंगा तेरे को पकड़ के। अबे फट गई कोबरा तेरी, चल आ अब हम फाइट शुरू कर देते हैं हमारी। तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये कोबरा नहीं। तूने क्या सोचा कि तू कोबरा को हरा देगा? नहीं, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं साले को बहुत मारूंगा इस हरामजादे को। ये ले ये का। कोबरा हमको किसी भी तरह कैसे जीतना होगा, अगर नहीं जीत पाए तो हमारा क्या होगा? तुझे पता ही है इज्जत खराब हो जाएगी तेरी, पूरे फ्री फायर में कोई नहीं पूछेगा तेरे को। किसी भी हाल में से जीतना होगा, वरना इसका नाम चलने लग जाएगा। कैसा लगा मेरा मजा? ये ले खा तू। एक मार के तो कोई भी शेर बन सकता है, साले इधर आ, ये खा। आहा, एक मार के तो कोई भी शेर बन सकता है, अभी एंड में पता पड़ेगा कोबरा की पावर क्या है। ये ले। मार साले को पकड़ के, हमें जीतना है किसी भी हालत में, मार साले को। आया मजा आया, ये ले कोबरे की पावर देख तू, ये ले अब तुझे कोई नहीं बचा सकता कोबरे के हाथों से, ये ले। अपने बाप से पंगा लेंगे ये लोग, बाप तो बाप होता है साला, बाप से पंगा लेगा साले हरामजादे। अच्छा हुआ पूरा नहीं तोड़ा, वरना पूरा तोड़ देता ना तो जिंदगी भर रोता। अब सेमीफाइनल मैच है, उसमें भी मुझे जीतना है इससे,
दो दिन बाद सेमीफाइनल फिर फाइनल। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं कोबरा जीत गया। अबे साले, तेरी वजह से मेरी नाक कट गई, अब मेरे से उठा नहीं जा रहा। यार वो कोबरा बहुत खतरनाक है, वो एंड में तो इतना बुरा मारा, मैं से खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं सोच रहा हूँ सेमीफाइनल कैसे खेलूंगा उसके सामने, ये तो बहुत हराम ज्यादा है, बहुत कमीने टाइप का आदमी है, बहुत मारा इसने हमको। अबे मैं यही तो बोल रहा था तेरे को, इस पे भरोसा मत करो, ये एंड में बहुत मारता है, एक बॉक्सिंग में खत्म कर दिया तेरे को, अब तेरे से उठा नहीं जा रहा, खलास कर दिया तेरे को। साला वो भी बहुत खतरनाक था, साले ने बहुत मारा मेरे को, मेरे तो हाथ पांव दर्द हो रहे भाई। बे कोबरा तेरे को पता है अब सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में, अगर उसको हरा दिया ना हमने तो तुझे पता है कितने पैसे मिलेंगे, पूरे 25 लाख रुपए। अरे हाँ पैसे तो मिलेंगे, पर वो भी यार कम नहीं था, पता नहीं वो तो मेरा मौका मिलते ही मैंने उसकी साले की दांत तोड़ दिए, और जैसे ही उसके दांत तोड़े वापस उठ नहीं पाया वो। पर हाँ उसे कैसे न कैसे हरा देंगे सेमीफाइनल में, और हाँ प्लस फाइनल में तो उसको पूरे को चकनाचूर कर दूंगा, जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा वो।